पत्नी से विवाद में फंस गए विवेक बिंद्रा। नेहा सिंह राठौर ने विवेक बिंद्रा पर उठाए सवाल तो सोशल मीडिया पर मच गया घमासान। ट्रोलर्स ने विवेक बिंद्रा को जमकर किया ट्रोल तो नेहा सिंह राठौर की भी लगा दी क्लास। पत्नी से विवाद मामले में अब विवेक बिंद्रा की बढ़ गई मुश्किल। पुलिस ने एक्शन के दे दिए संकेत। क्या सलाखों के पीछे जाएंगे विवेक बिंद्रा? पहले संदीप महेश्वरी के साथ जुबानी जंग और उसके बाद अपनी पत्नी की मारपीट और उत्पीड़न के मामले में फंसे मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर ने विवेक बिंद्रा के मोटिवेशनल स्पीकर होने पर सवाल उठाते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट करके विवेक बिंद्रा पर जमकर हमला किया। नेहा सिंह राठौर ने लिखा, मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा ने पत्नी को बुरी तरह पीटा, कान का पर्दा फट गया। 6 दिसंबर को हुई थी शादी, भाई बोला यानिका के पूरे शरीर में घाव हैं। 8 दिसंबर को अस्पताल में भर्ती कराया, कान से सुनाई नहीं पड़ रहा। कई दिनों से यानिका का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मारपीट के बाद यानिका का शरीर और मानसिक रूप से वो पूरी तरह टूट गई है। वो किसी से बात नहीं कर रही। सोचिए, दूसरों को मोटिवेशन का डोज देने वालों ने खुद के घर में बीबी के साथ क्या शर्मनाक किया है। नेहा सिंह राठौर केवल यही नहीं रुकी, बल्कि एक के बाद एक कई ट्वीट करके विवेक बिंद्रा पर जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं, नोएडा पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग भी की। नेहा ने कहा, विवेक बिंद्रा जैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। प्रसिद्धि और पैसे के बल पर ये छूटने नहीं चाहिए। उसके बाद नोएडा पुलिस की तरफ से भी ADCP ने बयान दिया और कहा कि यानिका की बहन की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, यथोचित कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ जहां विवेक बिंद्रा को लेकर सोशल मीडिया पर घमासान मचा है, वहीं अब गौतम बुद्ध नगर की पुलिस ने भी सख्त एक्शन के संकेत दे दिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ नेहा सिंह राठौर के इन भड़काऊ ट्वीट के बाद ट्रोलर्स ने नेहा सिंह राठौर की भी क्लास लगा दी। कमलेश कुमार नाम के एक यूजर ने कहा, विवेक बिंद्रा कोई पागल नहीं है। बेस्ट लाइफ मैनेजमेंट के लिए वो हमेशा भगवत गीता का उदाहरण देते हैं। पूरा मामला जाने बिना इतना लंबा चौड़ा माहौल बनाने की कोशिश मत करिए। सनातन सपोर्टर को फंसाने के लिए औरतों को विक्टिम कार्ड खेलने का तो आजकल रिवाज हो गया है। नेहा सिंह राठौर ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई, कह दिया, मैं सनातनी हूं, अपने भारत देश और उसकी संस्कृति और सभ्यता से अगाध प्रेम करने वाली, लेकिन जो लोग भी महिला सुरक्षा और सम्मान के आड़े आते हैं उनके लिए जरूर आवाज उठाती हूँ। वहीं एक ट्रोलर्स ने विवेक बिंद्रा को भी ट्रोल करते हुए लिखा, तुलसीदास जी ने ठीक ही लिखा था, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरही ते नर न घनेरे। एक तरफ सोशल मीडिया पर तो विवेक बिंद्रा निशाने पर है ही, फरीदाबाद पुलिस भी विवेक बिंद्रा से पूछताछ कर रही है, तो वहीं नोएडा के सेक्टर 126 पुलिस स्टेशन से भी मोटिवेशनल स्पीकर और यूट्यूबर विवेक बिंद्रा के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। नोएडा पुलिस ने उन्हें नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया है। कुल मिलाकर गिनीज बुक रिकॉर्डधारी विवेक बिंद्रा कभी भी सलाखों के पीछे जा सकते हैं। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।